हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कुकिंग चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज मैं बनाने जा रही हूँ कलाकंद मिठाई और ये कितनी सॉफ्ट और यम्मी बनती है, बिल्कुल हवाई स्टाइल। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम चाशनी बना लेते हैं। ये एक कप हमने चीनी ली है और उसी कप से नाप के आधा कप पानी, इसको हम अच्छे से उबाल लेते हैं। और चाशनी को हमें दो तार की चाशनी बनाना है। ये देखिए चाशनी उबल रही है, आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और केसर के धागे भी डाल सकते हैं। अगर आपको कलर वाली बर्फी बनानी है आप इसमें कोई भी कलर मिला सकते हैं। ऐसे हमें दो तार की बना लेते हैं चाशनी को। दो से तीन मिनट हो गए चाशनी को उबलते उबलते। अब इसको चेक कर लेते हैं हम दो तार की बनी है या नहीं। बहुत सौ को परेशानी होती है कि दो तार की चाशनी कैसे चेक करें। आज मैं एक नया तरीका लेकर आई हूँ। एक कटोरी में पानी मिले थोड़ा सा और इसमें एक बूंद डाल के देखें चाशनी, और ये देखिए किस तरह से नीचे बैठी है, तो एकदम परफेक्ट है। दो तार की चाशनी बन गई। अब गैस कर देते हैं हम बंद। ये हमने एक कप पनीर लिया है, इसको हाथ से इस तरह से कर दें। ये मैंने घर पे बनाया है, आप बाजार से भी ले सकते हैं। उसे कद्दूकस कर लें या हाथ से इस तरह से कर लें मैश। इसको डाल दिया। आधा कप हमने मिल्क पाउडर लिया है, एक कप हमने पनीर लिया है तो आधा कप हमने मिल्क पाउडर लिया है और आधा कप हमने दूध लिया है। ये उबला हुआ दूध है, मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है और अभी मैंने गैस नहीं चलाई है। हम इसी को इस तरह से मिलाएंगे, पहले तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब चलाते हैं गैस। गैस मीडियम टू हाई रखनी है। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। ये देखिए जैसे जैसे पकेगा दूध सारा उग जाएगा और हमें लगातार ही चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। ये देखिए ये इतना टाइट हो गया। अब इस टाइम पे हम चाशनी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने चाशनी डाल दी और इसे हम लो गैस कर देंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। ये हमने मंदी गैस पे 3 मिनट चलाई है और ये देखिए किस तरह कढ़ाई को छोड़ रही है, ये बिल्कुल रेडी हो गई। अब इसको हम गैस कर देते हैं बंद। यहाँ मैंने प्लेट ली है, आप यहाँ पे केक टिन भी ले सकते हैं और थोड़ा सा घी डाल के इसको ग्रीस कर लेते हैं। ये हमने सभी निकाल लिया। अब चम्मच की हेल्प से इसे हम फैला देते हैं। आप इसे किसी भी साइज में फैला सकते हैं, पतली या मोटी, जैसे भी आपको रखनी हो। ये देखिए ये हमने सेट कर दी। इस पे डालते हैं हम ड्राई फ्रूट्स। मैंने कुछ पिस्ते और बादाम लिए हैं, आप किसी तरह के भी ड्राई फ्रूट्स गिर दें जो भी आपको पसंद हो। चम्मच की हेल्प से इसे दबा देते हैं, अच्छे से सेट हो जाए। 30 से 40 मिनट हम इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। आप इसे पंखे की हवा में रख दें ताकि ठंडी होकर अच्छी सेट हो जाए। इसे 40 मिनट हो गए और ये जम गया। अब इसे हम कट कर लेते हैं। आप इसका साइज कैसा भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। हमने सभी को कट करके प्लेट में निकाल लिया और ये देखिए हमारे कलाकंद कितने टेस्टी लग रहे हैं, एकदम यमी यमी वाले। और ये देखिए कितने सॉफ्ट है एकदम, इसका टेक्सचर दिखाती हूँ मैं। ये देखिए दानेदार एकदम, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है एकदम। आप भी ट्राई करें और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।